गोरखपुर में मंगलवार को शहर के पुलिस परेड ग्राउंड पर दंगा नियंत्रण का आयोजन किया गया, जहां एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अगुवाई में जिले के सभी सर्किल अफसरों और थानेदारों ने दंगे के दौरान उपयोगी असलहों को चलाने का अभ्यास किया है। खासतौर पर एंटी राइट गन, टियर गैस गन समेत कई असलहों को चलाने का अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने अभ्यास किया है। इस दौरान महिला और पुरुष सिपाहियों की परेड भी कराकर उनका दमखम परखा गया है। इस संबंध में एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि दरअसल पंचायत चुनाव के साथ ही दंगों से निपटने को लेकर आज पुलिस परेड ग्राउंड पर दंगा नियंत्रण का आयोजन किया गया, जहां दंगे के दौरान भीड़ और अराजक तत्वों से निपटने को लेकर कई कारगर हथियारों को चलाने का अभ्यास कराया गया है। इस दौरान सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, सीओ ट्रैफिक नितेश सिंह और आरआई उमेश कुमार दुबे सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अब यहीं से बाएं हाथ से इसको खोलते हैं, पॉकेट में आपके जो है सेल होता है, सेल को इसमें दाखिल कर देते हैं। दाखिल करते समय ध्यान रखें कि जो पेदा है, जिस पर उभरा हुआ आकृति है, इसको आप कहाँ रखेंगे, पीछे रखेंगे, इसमें दाखिल कर देंगे। दाखिल करने के बाद इसको ऊपर उठाएंगे, बंद हो। अब इससे फायर करने का दो तरीका होता है। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड गोरखपुर में आज दंगा नियंत्रण का अभ्यास सभी क्षेत्राधिकारियों और थानाध्यक्षों के लिए कराया गया। इसमें उनके लिए एंटी राइट गन, टियर गैस गन के माध्यम से टियर गैस सेल चलाना, प्लास्टिक पैलेट चलाना और प्लास्टिक बुलेट चलाना, ब्लैंक कार्ट्रिज से फायर करना, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रदर्शन करके उनको बताया गया। और इसके बाद उनसे स्वयं से सभी थानाध्यक्षों और क्षेत्राधिकारियों ने स्वयं ये एंटी राइट गन और टियर गैस चलाए। ये पुलिस की एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु इस समय चुनाव नज़दीक हैं तो चुनाव के टाइम पर ऐसी आशंकाएं भीड़ नियंत्रण वाली बढ़ जाती हैं, इसलिए इस अभ्यास के लिए सभी के लिए करवाया गया।